हेलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कंपैरिजन नोकिया 5.1 प्लस का ऑनर के टेल लाइट के साथ तो अगर आप एक मोबाइल ख़रीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा मैं आपको बताऊंगा इनके अंदर क्या क्या कमियां हैं क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपके लिए इन दोनों में सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा तो नोकिया का बॉक्स आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाता है नोकिया फ्रंट साइड पर बाकी इस तरफ भी आपको नोकिया फाइव पॉइंट वन प्लस लिखा हुआ मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको इस पर एम आर पी मिलती है तेरह हज़ार एक सौ निन्यानवे रुपये की ये आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट 10 से ग्यारह हजार के आसपास और बैक साइड पर आपको स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं आप पढ़ सकते हैं तो कुछ इस तरीके के लुक में आपको इस मोबाइल का बॉक्स मिल जाता है चलिए बढ़ते हैं ऑनर Lite के बॉक्स की तरफ तो आपको इस मोबाइल के अंदर कुछ इस तरीके से इस कलर में बॉक्स मिल जाता है नीचे की तरफ आपको मोबाइल का नाम लिखा हुआ मिल जाता है ऑनर टेन लाइट और लेफ्ट एंड राइट साइड पर भी आपको मोबाइल का नाम मिल जाता है बाकी इस तरफ नीचे की तरफ आपको रैम वगैरह की कलर वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मेरे पास ये ब्लू कलर का वेरियंट है और इस तरफ आपको मिल जाती है एम आर पी एम आर पी इसके ऊपर आपको मिलती है सोलह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए की ये आपको मिलेगा मार्केट में फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हैं चौदह हजार के आसपास चलिए बिना वक्त गवाए अनबॉक्स कर लेते हैं नोके फाइव पॉइंट वन प्लस को तो जैसे ही आप इस मोबाइल को अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको रखा हुआ मिल जाता है मोबाइल इसका डिटेल लुक अभी देखेंगे इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या मिल जाता है तो इसके नीचे आपको रखा हुआ मिल जाता है कार्ड के अंदर सिम सिमजेक्टेड टूल कुछ इस तरीके से लगा हुआ तो आप देख सकते हैं इसके अलावा देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखा हुआ मिल जाता है यूजर मैनुअल यूजर मैनुअल आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको मिल जाते हैं इसके अलावा देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखी हुई मिल जाती है एक डेटा केबल तो इस मोबाइल के साथ आपको नोके के मोबाइल के साथ काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के अंदर डेटा केबल मिल जाती है जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है इसके बाद इसके अंदर आपको यूएस बी टू माइक्रो यूएस केबल नहीं टाइप सी केबल मिलती है जो कि इस मोबाइल की काफी खास बात है इसके अंदर आपको टाइप सी केबल का सपोर्ट मिल जाता है बाकी देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या मिल जाता है तो इस मोबाइल के साथ आपको मिल जाते हैं एयरफोन्स जो कि काफी अच्छी बात है टाइप सी केबल का सपोर्ट भी मिल जाता है और आपको एयरफोन्स भी मिल जाते हैं लेकिन इसके बॉक्स के अंदर आपको कवर नहीं मिलता बैक कवर इस मोबाइल के साथ आपको नहीं मिलता एयरफोन्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं काफी अच्छी क्वालिटी के एयरफोन्स इस मोबाइल के साथ आपको मिल जाते हैं इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको रखा हुआ मिल जाता है एक चार्जर तो चार्जर मैं आपको दिखा देता हूँ इस मोबाइल के साथ आपको कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर के अंदर मिल जाता है आउटपुट आप पढ़ सकते हैं फाइव वॉट टू एम पीर का तो एक फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ आपको नहीं मिलता है बाकी चार्जर की क्वालिटी काफी बढ़िया लग रही है इस तरफ आपको मिल जाती है नोके की ब्रांडिंग चलिए बिना वक्त गवाए अनबॉक्स कर लेते हैं ऑनर टेन लाइट को और देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है तो ऑनर टेनलाइट को जैसे ही आप इसको अनबॉक्स करेंगे सबसे पहले इसके अंदर भी आपको रखा हुआ मिल जाता है मोबाइल एक रैपर के अंदर इसका डिटेल लुक अभी देखेंगे इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या रखा हुआ मिल जाता है तो कुछ आपको मिल जाता है बॉक्स इस तरीके से वाइट कलर के अंदर जिसके अंदर की तरफ आपको रखा हुआ मिल जाता है कुछ यूजर मैनुअल तो एक कार्ड के अंदर आपको लगा हुआ मिल जाता है इसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल इसके अलावा आपको रखे हुए मिल जाते हैं यूजर मैनुअल इस तरीके से आप देख सकते हैं बाकी इसके साथ आपको मिल जाता है इस मोबाइल के अंदर एक ट्रांसपेरेंट केस तो एक मैं निकाल के दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से सिंपल सा ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है एयरफोन्स इस मोबाइल के साथ आपको नहीं मिलते लेकिन इस मोबाइल के साथ आपको कवर मिल जाता है तो कुछ इस तरीके के लुक में आपको सिंपल सा ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है बाकी देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या रखा हुआ मिल जाता है तो आपको रखी हुई मिल जाती है इसके बाद एक चार्जर तो वाइट कलर के अंदर आपको चार्जर मिल जाता है कुछ इस तरीके के लुक में इसके चार्जर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है लेकिन थोड़ी इससे ज़्यादा बेटर लग रही थी नोकिया के चार्जर की क्वालिटी इस तरफ आपको मिल जाती है हुआ की ब्रांडिंग और स्पेसिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5W, का ही तो फास्ट चार्जर आपको इस मोबाइल के साथ भी नहीं मिलता है दोनों ही मोबाइल के साथ आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है चलिए देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखी हुई मिल जाती है इसके अलावा एक डेटा केबल तो डेटा केबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा केबल आपको वाइट कलर के अंदर ही मिल जाती है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है लेंथ भी काफ़ी अच्छी है लेकिन इसके साथ आपको यूएस बी टू माइक्रो यूएस केबल मिलती है टाइप सी केबल इस मोबाइल के साथ नहीं मिलती है तो इस मोबाइल के अंदर छोटी सी ये कमी है अगर टाइप सी केबल होती तो काफ़ी बढ़िया रहता चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ मोबाइल के अंदर मोबाइल के डिज़ाइन के बारे में तो ये दोनों ही मोबाइल्स आपको मिल जाते हैं बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी लुक के अंदर बैक साइड से सा आपको बिल्कुल मिरर टाइप का लुक मिल जाता है बिल्कुल शीशे की तरीके से नोके के बैक साइड पर और ओना टेन लाइट के अंदर आपको मिल जाता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ग्लॉसी लुक जिसके अंदर आपको लाइट की रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको मिल जाती है ऑनर की ब्रांडिंग और नोकिया के अंदर आपको मिल जाती है बीच में ब्रांडिंग नोकिया की इसके अलावा बैक साइड पर इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर और डुअल कैमरा किसका डिजाइन ज्यादा पसंद आया इसके अलावा कैमरे के बारे में बात करें तो ऑनर टेन लाइट के अंदर आपको मिलता है बैक साइड पर डुअल कैमरा थर्टीन प्लस टू मेगा का इसके कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे सही लगी बाकी फ्रंट कैमरा इसमें मिलता है चौबीस मेगा का जिसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मुझे लगी नोकिया में बैक कैमरा आपको मिलता है थर्टीन प्लस का इसके अलावा फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है आठ मेगा का चलिए कर लेते हैं दोनों ही मोबाइल्स को बूट और मैं आपको दिखा देता हूं कैसा यूज इंटरफेस इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको मिलता है डिस्प्ले के बारे में बात करें तो फाइव पॉइंट की आपको डिस्प्ले मिलती है नोकिया के अंदर एक बड़ी नॉच के साथ और आपको मिल जाती है ऑनर टेन लाइट के अंदर सिक्स पॉइंट टू इंच की डिस्प्ले तो काफी बड़े साइज के अंदर आपको ऑनर टेन लाइट में डिस्प्ले मिल जाती है और काफी हैंडी मोबाइल आपको मिल जाता है नोकिया का मोबाइल बाकी दोनों मोबाइल्स बूट हो चुके हैं मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से इन दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले कैसी लग रही है छोटी नॉच वाली डिस्प्ले लेकिन ऑनर टेन लाइट के अंदर काफी ज्यादा कम मिल जाते हैं नोकिया से तो आप देख सकते हैं एजिस और बेजल्स के मामले में ऑनर टेन लाइट की डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया लग रही है डिस्प्ले के अंदर कलर्स भी थोड़े ज्यादा बेटर लग रहे हैं ऑनर टेन लाइट के अंदर नोकिया फाइव पॉइंट प्लस से इसके अलावा आप दोनों मोबाइल्स को लेफ्ट साइड से देखेंगे तो नोकिया में तो आपको मिलती है सिम की ट्रे और ऑनर टेन लाइट में कुछ नहीं मिलता बिल्कुल प्लेन आपको मिल जाता है क्योंकि स्किच सिम की ट्रे आपको मिलती है ऊपर की तरफ बाकी इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आप दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीन चीज़ एक साथ नहीं लगा सकते इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर कमी है एक सिम का डेक मेमोरी कार्ड लगाइएगा बाकी दो जियो के फोर जी के सिम एक साथ इनमें चला सकते हैं आप उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली नीचे की तरफ चार्जिंग पॉइंट और स्पीकर और माइक मिल जाता है आपको दोनों मोबाइल्स के अंदर राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन मिल जाते हैं और पावर का बटन मिल जाता है इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर बाकी चारों तरफ से ये दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज्यादा आपको ग्लॉसी मिल जाते हैं बहुत ज्यादा शाइनी लुक है ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं ऑनर टेन लाइट के अंदर आपको मिल जाती है सिम के ट्रे नोकिया में मिल जाता है थ्री पॉइंट फाइव एम का जैक और नॉइस कैंसिलेशन माइक नोकिया में आपको बैटरी मिलती है तीन हजार साठ एम एच की और ऑनअ टेन लाइट में मिलती है चौतीस सौ एम एच की बैटरी तो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है ऑनअ टेन लाइट के अंदर क्योंकि प्राइस का भी डिफरेंस है इसके अलावा नोकिया के अंदर आपको मिलती है तीन जी बी की रैम और बत्तीस जी बी की इंटरनल स्टोरेज और ऑन एट टेन लाइट में चौदह हजार के अंदर आपको मिलती है चार जी बी की रैम और चौसठ जी बी की इंटरनल स्टोरेज बाकी यूज़र इंटरफेस फेस मैं आपको दिखा देता हूं नोके के अंदर आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड का यूज़र इंटरफेस आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं और ऑनर टेन लाइट के अंदर आप राइट right साइड पर स्वाइप करेंगे आपको सारी अपलीकेशन स्क्रीन पर ही मिल जाती हैं चलिए चलते हैं सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ कितनी इंटरनल स्टोरेज आपको फ्री मिलती है तो बत्तीस में से तकरीबन बाईस जी के आसपास आपको नोके में मिल जाती है फ्री चलिए अब चेक कर लेते हैं ऑनर टेन लाइट में कितनी मिलती है चौंसठ जी में से तो सिस्टम्स में जाने के बाद चलते हैं अबाउट फोन के अंदर तो चौंसठ जी में से आपको मिलती है ऑनर टेन लाइट के अंदर तकरीबन चौवन जी के आसपास तो आप देख सकते हैं इतनी मेमोरी आपको फ्री मिल जाती है बाकी एंड्रॉयड का ओरियो वर्जन ओरियो 8.1 मिलता है आपको नोकिया में हालांकि इसका पाई अपडेट आ चुका है और ऑन अर टेन लाइट के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड का पाई वर्जन मीडिया टेक का पी सिक्सटी प्रोसेसर आपको मिलता है नोके के अंदर और आपको मिल जाता है क्रीन सेवन टेन प्रोसेसर ऑनअर टेनलाइट के अंदर तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको काफ़ी अच्छे प्रोसेसर मिल जाते हैं चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल्स में आपको कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं तो देखिए ये चीज़ तो सबसे पहले डिपेंड करती है आपको नोकिया के ऊपर ज़्यादा भरोसा है या फिर आपको ऑनर के ऊपर ज़्यादा भरोसा है इसके बाद आपकी मेन ज़रूरत किस चीज़ की है देखिए अगर आपको पसंद है हैंडी मोबाइल लाइट वेट मोबाइल तो नोकिया का मोबाइल आपके लिए बढ़िया रहेगा लेकिन अगर आपको बड़ी डिस्प्ले साइज़ की ज़रूरत है आपकी मेन ज़रूरत बड़ी डिस्प्ले साइज़ की है और आपको ड्रॉप नॉच पसंद है छोटी नॉच पसंद है तो ऑनर टेन लाइट आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा इसके अगर आपकी जरूरत है प्रोसेसर की तो इन दोनों ही जरूरत है बैटरी की तो इन दोनों ही आपको बैटरी बैकअप एक दिन का मिल जाता है के आप आपको काफी अच्छी मिल जाती है बैटरी की क्योंकि आपको मीडिया टेकअपी प्रोसेसर मिल जाता है और स्टॉक एंड्रॉइड भी मिल जाता है अब अगर आपकी मेन जरूरत है सिर्फ कैमरे की आप कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना चाहते हैं तो देखिए फ्रंट कैमरा और लाइट में आपको काफी बढ़िया मिल जाता है बैक कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे दोनों ही मोबाइल्स के अंदर नॉर्मल से थोड़ी बेटर लगी बाकी ऐसा फील नहीं हुआ कैमरे की परफॉर्मेंस में अगर सिर्फ आपकी जरूरत सिर्फ कैमरे की ही है तो मैं आपको इन दोनों मोबाइल्स में कोई सा मोबाइल सजेस्ट करूं बाकी आपको फ्रंट कैमरा अच्छा मिल जाता है टेन के इसके अलावा दोनों मोबाइल्स के अंदर सारी चीजें काफी बढ़िया मिल जाती हैं अब आप मुझे बताइएगा आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सा पसंद आया बाकी दोनों मोबाइल्स काफ़ी बढ़िया हैं और ना टेन लाइट भी काफ़ी अच्छा है काफ़ी बढ़िया लग रहा है और नोकिया भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है फिर भी अगर इन दोनों मोबाइल्स में एक चूज़ करा जाए मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो प्राइस कम होने की वजह से चार कम होने की वजह से और काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स की वजह से मुझे नोकिया का मोबाइल ज़्यादा बेटर लग रहा है अब आप मुझे बताइएगा आपको कौन सा पसंद आया ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको पसंद आई तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा उसके साथ बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए टेक केयर बाय